हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक। इस वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और इसमें ये लगभग 9 क्वेश्चंस को हम लोग जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले 136 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। प्रीवियस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड था, लेकिन इस बार से जो क्वेश्चन हैं वो तो ग्रामेटिकल पैटर्न पे होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन 137th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो फ्लैश करेगा वो ये है। ये जो क्वेश्चन है 137 जो क्वेश्चन है ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है और सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है जिसका जो है कांट कम। अब इसमें क्या गलती हो सकती है ये पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, देखते हैं। लिखा है रवि कांट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। अब आपको ये जानना चाहिए कि सेंटेंस एक्चुअली बात कहाँ की कर रहे हैं, पास्ट टाइम की। वो नहीं आ सक अब देखिए बोलने में भी अटपटा लग रहा है कि वो नहीं आ सकता है क्योंकि वो वेल नहीं था, ठीक नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। यानी आपको पास्ट में ले गया। अब जब पास्ट में ले गया तो सीधी सी बात है कि हमारा जो वर्ब है अंडरलाइन पार्ट का वो भी पास्ट में होना चाहिए। तो कांट की जगह पे क्या होना चाहिए, कैन की जगह पे क्या होना चाहिए, कुड। यानी इस पार्ट की जगह क्या आना चाहिए, कुड नॉट। रवि कुड नॉट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। तो अंडरलाइन पार्ट को सपोर्ट करेगा कुड नॉट और ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर सी में। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 138 आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। इसमें जो एक मेन वर्ड आपको दिया गया है और उससे कह रहा है कि फाइंड अ वर्ड That is the synonym of, synonym मतलब होता है same meaning वाला word, पर्यायवाची, philanthropist। तो बेटा एक बात जान लो हमेशा words की formation कैसे हुई है। तो ये फाइल और anthrop ये दो root से मिलके बना हुआ है। फाइल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, मनुष्य। अब लव मतलब प्यार, प्रेम, मानव जाति से, मानव से प्रेम करने वाले को फिलैंथ्रोप कहते हैं। तो फिलैंथ्रोप IST प्रीफिक्स लगा दिया जाता है तो ये वो पर्सन हो जाता है, ये नाउन प्रीफिक्स है। फिलैंथ्रोप मानव जाति से प्रेम, IST लगा देंगे तो वो करने वाला हो जाता है, ये नाउन का रूप ले लेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला। तो मानव जाति से प्रेम करने वाले के लिए सबसे बेस्ट सिनोनिम कौन सा हो सकता है, ये है ऑप्शन ए, ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन से जुड़ा हुआ ह्यूमैनिटेरियन। तो फिलॉसफर हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि ये दार्शनिक इसका अर्थ होता है। मिसएंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है, देखिए फाइल का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है मिस। तो मिस का मतलब होता है मीस, कभी कभी मीसो आता है, ग्रीक रूट के हैं, लैटिन रूट के हैं ये सब। मिस का मतलब होता है हेट। अगर मिसएंथ्रोपिस्ट आता है तो मानव जाति से घृणा करने वाले, फिलैंथ्रोपिस्ट आता है तो मानव जाति से प्रेम करने वाले। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट का ऑपोजिट होता है मिसएंथ्रोपिस्ट, लेकिन आपको फिलैंथ्रोपिस्ट का क्या पूछा है, सिनोनिम यानी पर्यायवाची, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन किया गया है और वो पार्ट है, देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, विच वर बिल्ट।
आप लोग क्वेश्चन में अंडरलाइन हिस्सा किसको मानेंगे, विच वर बिल्ट, ये पार्ट अंडरलाइन वाला पार्ट है, तो इसको आप लोग बुक में वो कर लीजिए। अब देखते हैं कि क्या ये विच वर बिल्ट कहीं से भी ग्रामेटिकली एरर है इसमें, अगर होगा तो इसे इम्प्रूव करते हैं। लिखा है दीज हाउसेस, अब हाउसेस के बाद जो वर्ब आई है वो प्लूरल में आई है, क्योंकि हाउसेस सब क्या है, विच का एंटीसीडेंट है। अब आप कहेंगे सर एंटीसीडेंट क्या होता है, कभी भी ध्यान दीजिएगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यानी हु विच दैट के पहले जो भी नाउन आता है वो नाउन ही उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, विच है, विच के पहले आया है हाउसेस, तो हाउसेस के अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल में आनी चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब दिया हुआ है यानी इसमें कोई गलती नहीं है। तो 139 को आपको इम्प्रूव नहीं करना है क्योंकि ये अपनी जगह सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में। क्वेश्चन नंबर 140 आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है और कह रहा है कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक वर्ड यानी ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी पूरे सेंटेंस के बदले एक शब्द आपका क्या आ सकता है, देखते हैं। लिखा है स्प्लेंडिड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, स्प्लेंडिड माने होता है शानदार, एक्सपेंसिव माने होता है बहुत महंगा, ऐसा लुक जो बहुत शानदार हो बहुत महंगा भी हो, ऐसा जो नज़ारा हो ऐसा जो लुक हो उसे क्या बोलेंगे आप। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आप किसी होटल में गए या आप किसी के घर में गए, तो आप देखते हैं कि उनके रहने सहने का ढंग बड़ा ही शानदार और बड़ा एक्सपेंसिव होता है, सोफे भी होंगे तो शानदार लेकिन महंगे वाले होंगे, तो जो भी चीज़ें होती हैं बहुत शानदार और महंगी लुक में होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, सम्चुअस, ऑप्शन नंबर ए सम्चुअस, इसका उच्चारण है सम्चुअस, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा लेकिन उसका मीनिंग जान लीजिए, पिक्यूलियर, पिक्यूलियर का मतलब होता है बहुत ही असाधारण, अनोखा, विचित्र। अब विचित्र में कौन सा विचित्र, जो हमको अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट टाइप की चीज़ें, बहुत पिक्यूलियर, जैसे आपने किसी को देखा आप और उसने बड़ा ही अपना विचित्र सा चेहरा बना लिया, आपको वो चीज़ बहुत ख़राब लगा, तो पिक्लियर का मतलब होता है विचित्र या अनोखा या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगे वो पिक्लियर है, आश्चर्य के साथ। क्यूरियस मतलब होता है जानने की इच्छा, जिसे हम बोलते हैं जिज्ञासा, तो यहाँ पे ओ यू एस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है, क्यूरियस का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला, अगर आप क्यूरियस हो बाय नेचर तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जानने की आपके अंदर बड़ी ललक रहती है। मैलेशियस, मैलेशियस भी एडजेक्टिव है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी वर्ड के अंत में ओ यू एस आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है, एडजेक्टिव बना रहा है, तो इसका मतलब होता है फुल ऑफ, ठीक है ना। मैल, एम ए एल, मैलेशियस मतलब होता है गंदगी से भरा हुआ, यानी कोई चीज़ बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदा है, कोई भी चीज़, तो वो बड़ा मैलेशियस है, जैसे कोई आपके बारे में गंदे विचार रखता है तो मैलेशियस थॉट है उसके, किसी ने आपको लेके मैलेशियस कमेंट कर दिया, कमेंट करना बुरा नहीं है लेकिन वो बड़ा ही गंदा भद्दा, तो वो मैलेशियस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब होता है शानदार और एक्सपेंसिव लुकिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में, 141 आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, अब देखिए
141 में अंडरलाइन किया गया है केवल इतने से पार्ट को, हैव बीन लिविंग। तो हैव बीन लिविंग में ही गलती हो सकती है। देखिए, नो इम्प्रूवमेंट वाले में आपको पूरे सेंटेंस में गलती फाइंड आउट नहीं करनी होती है, केवल ये देखना होता है कि जो अंडरलाइन वाला हिस्सा है क्या उसी हिस्से में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर है तो नीचे दिए गए ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसे इम्प्रूव यानी सुधारो। अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही सही है, तो फिर आपको कोई भी ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है बीन लिविंग। तो जरा सा पूरे सेंटेंस को पढ़ के आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट हो सकता है। सेंटेंस की शुरुआत हुई है यहाँ से, डोंट स्टे इन स्कूल आफ्टर 2 PM। 2 बजे के बाद स्कूल में रुकना नहीं है। ऑल द टीचर्स हैव बीन लिविंग बाय देन। अब ध्यान दीजिएगा, तब तक सारे, देखिए क्या कहना, सेंस देखिए हिंदी में, 2 बजे तक किसी को स्कूल में नहीं रुकना है क्योंकि तब तक सभी टीचर्स जा चुके होंगे। हम लोग बोल रहे हैं हिंदी में, जा चुके होंगे, यानी कभी भी ये मत सोचा करिए कि आप लोग जैसे हिंदी में बोलते हैं एग्जैक्टली उसका इंग्लिश आपको मिल ही जाएगा। कभी कभी हम देखिए फ्यूचर का स्ट्रक्चर यूज करते हैं लेकिन बात करते हैं पास्ट की, और उसमें संभावना रहती है। जैसे हम कहें कि 2 बजे तक कोई नहीं रुकेगा क्योंकि तब तक सारे टीचर जा चुके होंगे, ये आपको कहाँ ले जा रहा है? फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक काम को कंप्लीट दिखा रहा है। तो जब भी फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक काम को कंप्लीट दिखाना है तो आपके पास केवल इकलौता एक टेंस है, वो है क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आपको हमेशा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना होता है विल या शल, और उसके साथ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, विल हैव लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल द टीचर्स विल हैव लेफ्ट बाय देन। बाय देन मतलब तब तक सभी टीचर्स जा चुके होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 141। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है वो क्वेश्चन नंबर 142। इसको आप रीड करिए एक बार फिर से, ये क्वेश्चन नो इम्प्रूवमेंट का ही है। और इस बार जो अंडरलाइन किया गया है क्वेश्चन में, अंडरलाइन वाला हिस्सा है द कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यहां दो बातें हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या इस पार्ट में एरर है, तो बिल्कुल एरर है, केवल इतने पार्ट में एरर है। आर्टिकल द का यूज, देखिए यहां दो बातें हैं, दोनों एक्सेप्शनल बातों से क्वेश्चन बना दिया गया है। पहली चीज तो आर्टिकल का यूज, चाहे ए एन हो और या द हो, उसका किसी भी प्लेस के नेम ऑफ प्लेस, किसी प्लेस के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ना ही ए, ना ही एन, ना ही द। हम ऐसे नहीं बोल सकते द इंडिया, एन इंडिया, प्रयागराज और कानपुर, ऐसे नहीं बोल सकते, द कानपुर, द मुंबई नहीं बोल सकते। प्लेस के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थानों के नाम होते हैं जिनके पहले अगर यूनाइटेड लगा हो, यूनियन लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, ऐसे नामों के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, और वो भी आर्टिकल कौन? द। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, कनाडा से पहले इसने द लगाया है और यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द नहीं लगाया है। जबकि होगा क्या, कनाडा से पहले द हटेगा और यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए ये यूनाइटेड आया है ना,
यूनाइटेड स्टेट्स के पहले आर्टिकल द लगेगा। तो जिस ऑप्शन में कनाडा से पहले आर्टिकल हटा हो और यूनाइटेड स्टेट्स से पहले लगा हो, वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ऐसा तो केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हाईलाइट कर दिया है ब्रैकेट में। और मैं हमेशा आपसे एक बार कहता हूं, जब भी ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, ये बात आपको याद दिलाता हूं कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं कहेगा कि लो भैया दिए गए क्वेश्चन का इनडायरेक्ट फाइंड आउट करो या डायरेक्ट फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। आपको कह देगा देखिए क्या बढ़िया से लिखा हुआ है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। नरेशन, हम नरेशन माने तो या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा, ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, जो सेंटेंस दिया है। यानी अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये पहचानना है कि वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो कैसे पहचानना है, यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड बाय मी, मैंने आपको बताया है। अब एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट स्पीच होगा तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, और इनडायरेक्ट होगा तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे और सेंटेंसेस क्लॉजेस में बटे होंगे। अच्छा जी, अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, आई विश आई कुड स्टे हियर फॉर एवर। देखिए मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी जल्दीबाजी में ये आदत होती है, अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन वर्ड देख लिया, फॉर एग्जांपल व्हाट देख लिया या हाउ देख लिया, तो वो फिर कुछ सुनने को तैयार होते ही नहीं है, उनको लगता है बस क्वेश्चन बना है। अरे भैया, हम आश्चर्य भी प्रकट करते हैं हाउ या व्हाट से क्वेश्चन बना के, हाउ और व्हाट से क्वेश्चन बनता है, लेकिन हाउ और व्हाट हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे आप बाहर निकले, आपने देखा कि बढ़िया बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपने कहा व्हाट अ प्लेजेंट वेदर, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। कोई बढ़िया सी कार, आपकी ड्रीम कार आपके सामने से गुजर गई, आपने कहा वाह व्हाट अ कार। अब आप किसी से क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हो व्हाट अ कार। तो हाउ और व्हाट से हम आश्चर्य भी प्रकट करते हैं। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि व्हाट सर क्या है, ये कब क्वेश्चन बना रहा है, कब आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो भैया एक काम थोड़ा सा सेंटेंस में आगे बढ़ के कर लिया करो, वो ये कि थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो सेंटेंस के आगे ये मार्क आपको नजर आएगा। इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क। जैसे ही आप इसको देखिए, समझ जाइए कि इसका मतलब प्रश्न बनाना नहीं है, इसका मतलब है आश्चर्य प्रकट करना। जब ये क्वेश्चन बनाएंगे तब इनके बाद में क्या लगा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तब इनको आप कहेंगे क्या, इसको इसका अर्थ क्या निकालेंगे, इसका अर्थ कैसे निकालेंगे। लेकिन जब ये दोनों आश्चर्य प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होंगे तो इनका जो अर्थ साउंड निकलता है, अर्थ नहीं है ये, साउंड है हमारी मातृभाषा हिंदी में, व्हाट अ लवली सीन, तो इसका मतलब है कितना शानदार सीन है। तो कितना का मतलब हो गया, कितना का मतलब अब कोई आपको खड़ा होकर उत्तर नहीं देगा, देखो इतना इतना शानदार सीन है, ऐसा नहीं है। वो आप सरप्राइज हो रहे हो, आप मूवी देख के निकले, आपको मूवी बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पूछा भाई मूवी कैसी थी, आपने क्या गजब की मूवी थी। तो क्या आपने बोला, तो क्या का मतलब ये थोड़ा क्वेश्चन आपने बोल दिया, तो ये आप आश्चर्य प्रकट कर रहे हो। यहाँ पे रीना कहती है व्हाट अ लवली सीन, क्या मस्त नजारा है, प्यारा नजारा है, काश आई विश, देखो आगे करिए, आई विश आई कुड स्टे हियर फॉर एवर, काश मैं हमेशा के लिए यहाँ रुक पाती, वो ऐसा विश कर रही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब चेक करते हैं कि कौन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में जब हम आगे चलते हैं तो लिखा है रीना सेट
तो जाहिर सी बात है जब एक्सक्लाम, देखिए आगे चल के सीन के बाद भी एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया है और लास्ट में फॉर एवर के बाद भी एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, यानी हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ये सेट को चेंज करेंगे किस में, एक्सक्लेम्ड में, या इसी जैसा कोई अर्थ देने वाला शब्द होगा तो उसमें। तो पहली चीज तो इसी से रिजेक्ट कर दीजिए कि सेंटेंस नंबर ए आपका ऑप्शन नहीं है। अब जिसमें जिसमें एक्सक्लेम्ड, देखिए पकड़ना सिखा रहा हूं आप बहुत कभी कभी पूरा सेंटेंस आपको बनाना नहीं भी आता रहेगा ना, तो भी आप अपना डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो केवल थोड़े से ट्रिकी तरीके से। अब जैसे मैंने कहा कि अब सेट टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन ए में है ही नहीं, ऑप्शन बी में है, हाँ ये हो सकता है, होल्ड किए रहो, अभी आंसर नहीं है, होल्ड किए रहो, ऑप्शन बी हो सकता है। क्या ऑप्शन सी में ऐसा है? नहीं, ऑप्शन सी भी रिजेक्ट। ऑप्शन डी में ऐसा है? नहीं, ऑप्शन डी भी रिजेक्ट, यानी आपका जो डिजायर्ड ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल एक वर्ड से हमने अपना ऑप्शन निकाल लिया उसमें। ये भी तरीका आपको आना चाहिए, साम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपने ये मत देखिए आप ये मत बहुत आइडियलिज्म को लेके मत चला करिए कि नहीं नहीं जब तक मेरा एक एक चीज मैं सॉल्व करके कॉपी पे ऐसे मैच नहीं करा लूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, यार इतना टाइम कहाँ रहेगा आपके पास, ऐसे भी तो आप कर सकते हो। तो तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, रीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ लवली सीन, शी फर्दर विश्ड, उसने आगे विश किया दैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर, हियर का देयर हो गया, बाकी सारे रूल रेगुलेशन जो आप जानते हो वैसे ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे, क्वेश्चन नंबर 144 एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इस बार आप जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन में कहीं भी इन्वर्टेड कॉमाज नहीं दिखाई पड़ रहा है और उसमें कंजंक्शन दैट लगा है, यानी सीधी सी बात है ये है इनडायरेक्ट स्पीच, अब आपको डायरेक्ट स्पीच बनाना है। लिखा है माई ग्रैंड फादर विश्ड दैट गॉड शुड गिव मी सक्सेस इन माई न्यू वेंचर, ही फर्दर सेड दैट हिज प्रेयर His prayer would always be with me. अब मेरे आप एक क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे दादाजी ने ये विश किया, कामना किया कि गॉड शुड गिव मी सक्सेस इन माई वेंचर, जो मैंने वेंचर यानी एक तरीके से ऐसे समझ जो बिजनेस मैंने शुरू किया है, वेंचर स्टार्ट किया है, काम शुरू किया है, उसमें भगवान मुझे सक्सेस दें। और अब आगे फिर कहते हैं कि हिज प्रेयर्स वुड ऑलवेज बी विथ मी, और उनका जो प्रेयर है वो हमेशा मेरे साथ रहे, आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। तो देखते हैं अब ये कैसे ये चेंज होगा। देखिए जब भी कहीं कोई बात कामना की जाती है, जैसे न्यू ईयर पे लोग कहते हैं भगवान करे यह वर्ष आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए, तो भगवान करे का मतलब क्या होता है? हम सेंटेंस को मे से स्टार्ट करते हैं, एम ए वाई, और इस मे का जो एक समझने वाला सेंस निकलता है, ध्यान दीजिएगा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ये, हम अपने तरीके से जो समझते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस की शुरुआत हम मे से करते हैं जिसका हिंदी में अर्थ होता है भगवान करे, सेंस निकालते हैं ऐसा, भगवान करे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो, आप उसको क्वालिफाई कर जाएं, मे यू क्वालिफाई योर इंटरव्यू, मे यू हैव अ वंडरफुल टाइम। तो मे का मतलब आप देखिए ये मे से हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो भी मे का यूज करते हैं, मे आई सिट हियर, मे आई गो आउट एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पे वो गॉड से कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो कभी भी हम प्रेयर करने के लिए सेंटेंस को मे से शुरू कर सकते हैं। तो जिस ऑप्शन में शुरुआत हुई होगी मे से,
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए का हुआ है क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट। आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में शुरुआत हुआ है, लेकिन मे के तुरंत बाद इसने बी लगा दिया। मे बी का मतलब तब आप मे बी बोलते हो जब आप किसी चीज को लेके आप संदेह में रहते हो, आप डाउट में रहते हो, आप दुविधा के कंडीशन में रहते हो, तब आप मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद, हो सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पे मे बी वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, केवल मे आना चाहिए, तो ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में शुरुआत मे से हुई है, ये ठीक है। मे गॉड गिव टू यू सक्सेस। तो देखिए यहाँ प्रोनाउन की भी चेंजिंग करनी है, और क्वेश्चन में दिया है माई ग्रैंडफादर विश्ड दैट। अब विश रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको तो चेंज तो आप करेंगे ही करेंगे। अब क्वेश्चन में विश्ड लगाया है, लेकिन आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे माई ग्रैंडफादर सेड। आप सेड लिख सकते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमास कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में अपनी बात को शुरू कर सकते हैं मे। अब वहाँ पे दादाजी ने लिखा है, बोला है कि दैट गॉड शुड गिव मी, तो यहाँ होना चाहिए मे गॉड गिव मी। तो यहाँ पे सेंटेंस में आना चाहिए, अब देखिए वहाँ मी बोला है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई छुपा हुआ है, क्योंकि दादाजी अपने लिए तो बोलेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन अपने लिए बोलते तो मी रहता, तो ये हिम हो गया होता। तो मी आने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में कोई सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट बैठा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई ग्रैंड फादर सेड टू मी। अब कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरी बात को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सबसे सुपर आंसर है। उसको आप देखिए, लिखा है माई ग्रैंड फादर सेड टू मी, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मे गॉड गिव यू। यू इसलिए आएगा क्योंकि जब यू आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसके अकॉर्डिंग चेंज होके मी हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मी आया है। और मी तभी आएगा जब वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बैठा हो। मैं जानता हूँ कि जो रिवीजन किए हैं, जिनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब ये चूंकि ये प्रैक्टिस बैच है, तो इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता है बेटा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि क्यों यहाँ ऐसा है। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ले लेंगे, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट पे बैठा है मी, अब ये यू जब मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन में मी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में मी आया है ना, सक्सेस इन योर न्यू वेंचर, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां लगाया है, लगा देंगे हम, क्योंकि ये आश्चर्य वाली बात है। माई प्रेयर्स विल ऑलवेज बी विथ यू, अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना हिज प्रेयर वुड, तो वुड कौन सा चीज बदल के आता है, विल बदल के आता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो एक बार फिर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो इसे आप पढ़िए और मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, और उसके अनुसार ये चूज करिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है। और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन आया और इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास लगा है तो इसका मतलब हो गया कि ये डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच है तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ लिखा है द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट्स आइटम आर न्यू। अब देखिए तो सेड टू मी, तो सेड टू मी है। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर केवल अकेले सेड लिखा हुआ है
तब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, सेड बिकम्स सेड। लेकिन अगर सेड के साथ टू आया है, इट बिकम्स टोल्ड। तो यहां पे हम लोग कैसे लिखेंगे, द सेल्समैन टोल्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे तो सेंटेंस में क्या आ जाएगा, कंजंक्शन आएगा दैट, द सेल्समैन टोल्ड मी दैट द गिफ्ट आइटम्स, यहां आर लिखा हुआ है वो चेंज होके वर हो जाएगा, ओके उसके बाद लिखा हुआ है वी, तो हमने यहां पे वी को चेंज करेंगे, और वी को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे, ही फर्दर सेड दैट दे हैड रिसीव्ड। अब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, तो पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, रिसीव्ड बन जाएगा हैड रिसीव्ड। दिस को दैट में चेंज करेंगे, कंसाइनमेंट वैसे ही रहेगा, यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अब देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, बिल्कुल सही है, आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए ही होगा। अच्छा ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इसने इन्फॉर्म्ड के जस्ट बाद टू लगा दिया, इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड यू, इन्फॉर्म्ड समवन होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड के जस्ट बाद प्रेपोजिशन टू नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। अच्छा और ऊपर से आगे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसने रिसीव्ड का टेंस चेंज नहीं किया है, इसलिए भी गलत हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आते हैं, द सेल्समैन टोल्ड मी दैट ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर, देखो क्वेश्चन में भी आ रहे, इसने भी आर रख दिया, इसने चेंज नहीं किया, इसलिए ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, सेल्समैन सेड टू मी, इसने तो सेड टू को चेंज ही नहीं किया। आगे देखते हैं और बड़ा गलती किया है क्या, हाँ आगे आर को भी इसने चेंज नहीं किया, फिर उसके बाद प्रोनाउन भी चेंज नहीं किया, सब कुछ वैसे ही रख दिया, यानी इसका जो सबसे फिट आंसर है क्वेश्चन नंबर 145 का वो है ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स ये रहा आज के क्वेश्चंस, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको ये पता चल पाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते और इसका एक्सप्लेनेशन जानते जाते आपका एक आइडिया डेवलप होगा कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स दिस इज एनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।